हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अर्जुन और आप देख रहे हैं फन एंटरटेनर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको मोबाइल से यूट्यूब चैनल कैसे बनाते हैं इस बारे में बताने वाला हूं, और उसे कैसे कस्टमाइज़ करते हैं, यानी कि लोगो और पीछे का जो बैनर होता है वो कैसे बनाते हैं, और यूट्यूब चैनल में कैसे वो सेट करते हैं। तो दोस्तों, ये सारा प्रोसेस मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ इस वीडियो में। हो सकता है दोस्तों ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो, लेकिन काफ़ी नॉलेजेबल होगी, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। तो दोस्तों, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए, और अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके फॉलो कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो YouTube चैनल बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक Gmail ID की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपकी पहले से ही एक Gmail ID है ऑलरेडी, तो आप उसे भी चॉइस कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेशन देता हूं कि आप नया एक Gmail ID क्रिएट कर लीजिए जो चैनल आप बनाने वाले हैं उसी नाम से। तो दोस्तों, सिंपली से आपको अपने सेटिंग के ऑप्शन में आ जाना है। सेटिंग के ऑप्शन में आपको सर्च बार मिलेगा, यहाँ पर आपको टाइप करना है अकाउंट। अकाउंट टाइप करने के बाद आप सर्च कर लेंगे, और यहाँ पर आपके सामने दोस्तों काफ़ी सारे ऑप्शन आ चुके हैं। अब यहाँ पर आपको अकाउंट का एक ऑप्शन मिल जाएगा, या फिर आपके मोबाइल पे मेरे जैसे ऐड अकाउंट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको सिंपली से इस पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर एक ऑप्शन नीचे की तरफ आपको दिख रहा होगा ऐड अकाउंट का, तो आपको सिंपली से इस पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको गूगल का एक ऑप्शन मिल जाता है, तो आपको सिंपली से इस पर क्लिक कर देना है, और ये लोडिंग हो रहा है दोस्तों, आप देख सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको क्रिएट अकाउंट का एक ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर फॉर माई सेल्फ का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको अपना चैनल का फर्स्ट नेम टाइप कर देना है, नेचर विथ, अब लास्ट नेम पे हम देंगे अर्जुन। अब चैनल का नाम देने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ पूछा जाएगा, तो आप कोई सा भी एक डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैं कोई सा भी एक डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब जेंडर पे आप चाहे तो मेल फीमेल कुछ भी चॉइस कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर मेल सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर आपको नेक्स्ट कर देना है। अब दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन मिल जाएंगे ऑटोमेटिकली जो आपको शो हो रहे हैं। आपको जो पसंद है उसके लेफ्ट वाले ऑप्शन पर आप टिक करेंगे, तो मैं यहाँ पर ये वाला ही सेलेक्ट कर लेता हूँ, पहला वाला नेचर विद अर्जुन @gmail.com। ये ऑप्शन काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो मैं यहाँ पर टिक करूँगा, आप भी वहाँ पर टिक कर लीजिए और नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड चॉइस कर लेना है। आप ऐसा पासवर्ड चॉइस करिएगा दोस्तों कि उसमें कैपिटल स्मॉल लेटर में दोनों में ही हो, और कोई नंबर भी हो वहाँ पर। अब दोस्तों, नीचे भी आपको वही पासवर्ड टाइप कर देना है कन्फर्म करने के लिए। दोस्तों, यहाँ पर आपको आई का आइकॉन दे रखा है, यहाँ पर आप आई के आइकॉन पर क्लिक करके पासवर्ड चेक कर सकते हैं कि आपका पासवर्ड सही हुआ है या नहीं। तो अब आपको फिर से आई के आइकॉन पर क्लिक करके इसे हाइड कर देना है। अब आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब आपके सामने यस आई एम इन आएगा, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब नीचे स्क्रॉल करते हुए आना है, और यहाँ पर आई एग्री पे क्लिक कर देना है। दोस्तों, जैसे ही आप आई एग्री पे क्लिक करते हैं, तो ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा आपके सामने। तो आपका जो जीमेल आईडी है वो यहाँ पर बन चुका है दोस्तों। अब दोस्तों, जीमेल आईडी जो है हमारी क्रिएट हो चुकी है। अब आपको मोबाइल स्क्रीन पे आना है और क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप थ्री डॉट्स पे क्लिक करेंगे, और ये जो डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन मैंने टिक करके रखा है, ऐसे ही आपको टिक कर देना है। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको youtube.com का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर आप youtube.com टाइप कर लेंगे। youtube.com ओपन होने के बाद दोस्तों, आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब दोस्तों, अगर आपकी पहले से ही जीमेल आईडी क्रिएट है कोई, तो आप अपने जीमेल आईडी के आइकॉन पर क्लिक कर देंगे। आइकॉन पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको स्विच अकाउंट का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। अब आपको वो जीमेल आईडी सेलेक्ट कर लेनी है जो अभी आपने क्रिएट की है, तो हम वो वाला जीमेल आईडी सेलेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, हमने जो जीमेल आईडी अभी लॉगिन किया है वो लॉगिन हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो जीमेल आईडी का आइकॉन है वो आ चुका है। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको जीमेल आईडी के आइकॉन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन मिल जाता है क्रिएट ए चैनल का, तो आपको सिंपली से इस पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको गेट स्टार्टेड का एक ऑप्शन मिल जाता है, तो आप गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन आ जाते हैं, जो अगर आप जीमेल आईडी वाला ही नाम का अपना चैनल बनाना चाहते हैं, तो आप फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और अगर आप कोई और नाम का चैनल बनाना चाहते हैं, तो आप सेकंड वाला ऑप्शन चूज करेंगे। तो हम सेकंड वाला ऑप्शन चूज कर लेते हैं।
यहाँ पर दोस्तों आपके चैनल का यहाँ पर नाम टाइप करना है आपको। आप बाद में ये नाम चेंज भी कर सकते हैं। तो सिंपली से हम चैनल नेम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर चैनल का नाम टाइप कर देंगे। तो दोस्तों हमने चैनल का नेम यहाँ पर टाइप कर दिया है। अब यहाँ पर टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पर क्रिएट के ऑप्शन पे हम टिक कर देंगे। तो हमारे सामने ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्रिएट ए चैनल का ऑप्शन मिल जाता है, तो आपको सिंपली से इस पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका जो चैनल है वो क्रिएट हो चुका है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर आपको होम के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और बैक आ जाना है। अब आपको फिर से यहाँ पर थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है और ये जो डेस्कटॉप साइट वाला ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है और आपको youtube.com फिर से ओपन कर लेना है। youtube.com ओपन होने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप थोड़ा जूम कर लीजिए और यहाँ पर आपने चैनल के लोगो पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर योर चैनल का ऑप्शन आपको मिल जाता है। आपको सिंपली से इस पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको कस्टमाइज चैनल का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप कस्टमाइज चैनल पर क्लिक करते हैं ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा आपके सामने। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है चैनल कस्टमाइज का। तो दोस्तों सिंपली से आपको यहाँ पर जो पहला वाला ऑप्शन मिल जाता है ये देखिए, ये है चैनल ट्रेलर फॉर पीपल हु हैव सब्सक्राइबेड। ये जो ऑप्शन है ये आपको बाद में सेट कर लेना है। आप आ जाएंगे यहाँ पर ऊपर की तरफ, देखिए लेआउट के पास में ही एक ऑप्शन है यहाँ पर ब्रांडिंग, तो ब्रांडिंग के ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपको आपके चैनल का लोगो दिख रहा होगा, यानी कि आपके जीमेल आईडी का लोगो दिख रहा होगा। अब यहाँ पर आपको अपना जो लोगो होता है चैनल का वो यहाँ पर आपको सेट करना है। तो लोगो सेट करने के लिए आपको सबसे पहले लोगो तैयार करना होगा दोस्तों। तो लोगो कैसे तैयार करते हैं मैं आपको अभी बताता हूँ। हम बैक आ जाएंगे और आपको प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है पिक्सआर्ट। तो दोस्तों मैंने ये पहले से ही डाउनलोड कर रखा है, तो आप भी इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। मैंने इस ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप भी इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। अब यहाँ पर ऐड आ चुका है, हम यहाँ पर कट करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको प्लस वाले आइकॉन पर दोस्तों क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको क्रिएट ए फोटो का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको बैकग्राउंड सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर बैकग्राउंड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो भी बैकग्राउंड आपको पसंद है वो बैकग्राउंड आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो दोस्तों हम सिंपल से ये रेड वाला बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेते हैं। रेड वाला बैकग्राउंड सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पर आपको नीचे की तरफ काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको टेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब टेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके चैनल का जो फर्स्ट लेटर है, यानी कि आपके चैनल के नेम का फर्स्ट लेटर, यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। तो मैं यहाँ पर सिंपली से एन टाइप कर देता हूँ। अब यहाँ पर हम राइट के चिन्ह पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर आप इसका फ्रॉन्ट भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जो फ्रंट आपको अच्छा लगे वो फ्रंट यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं ये वाला अभी सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसे हम थोड़ा बड़ा कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आप राइट के चिन्ह पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर फिर से आपको नीचे स्क्रॉल करते हुए आना है और यहाँ पर टेक्स्ट के ऑप्शन पर फिर से क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको आपके चैनल का जो नेक्स्ट नेम है उसका फर्स्ट लेटर आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। तो मेरा तो 3 अंक का नाम है, तो यहाँ पर फिर से मैं W पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर हम राइट पे टिक कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आप अपने लेटर का जो कलर है वो अलग कलर कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर कलर के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। आप भी कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर कलर के ऑप्शन पे क्लिक किया है और यहाँ पर ब्लू कलर जो है मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर W भी दे दिया है। अब दोस्तों फिर से आपको टेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और आपको यहाँ पर अपने चैनल का लास्ट का जो नेम है उसका फर्स्ट लेटर यहाँ पर टाइप कर देना है। तो मेरा जो चैनल मैं अभी बनाने वाला हूँ नेचर विद अर्जुन, तो मैंने W भी टाइप कर दिया है। यहाँ पर A हम सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर राइट के चिन्ह पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर फ्रंट चॉइस करने का ऑप्शन यहाँ पर आ चुका है, तो हम फ्रंट पर क्लिक करते हैं। अब आपको जो भी फ्रंट पसंद है वो फ्रंट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसमें ये वाला ही रहने देता हूँ और कलर पे हम क्लिक करेंगे और कलर हम चॉइस कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर ब्लैक वाला सिंपली सेलेक्ट कर लिया।
अब दोस्तों हम यहाँ पर राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा जो लोगो है उसका जो लिखावट है वो तैयार हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे की तरफ एक ऑप्शन मिल जाता है टूल्स का, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर सेव क्रॉप का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप सर्कल वाला ऑप्शन चूज़ कर लेंगे और यहाँ पर आप इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। हमने इसे परफेक्ट साइज में सेट कर लिया है। अब यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। अब यहाँ से हम जो है इसका बॉर्डर भी सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आप जो भी चाहें वो बॉर्डर आप उस कलर का सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ब्लू वाला ले लेता हूँ और यहाँ पर हम जो है इसको थोड़ा आगे की तरफ खींच देंगे। तो देखिए ये जो बॉर्डर है बॉर्डर भी सेलेक्ट हो चुका है। हम यहाँ पर सेव के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर गैलरी में सेव करने के लिए हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर ऐड आ चुका है, हम कट कर देते हैं और यहाँ पर एक सेव का ऑप्शन आ चुका है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसे सेव कर लेंगे। गैलरी पे हम सेव कर लेते हैं, गैलरी के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया है। हमारा जो लोगो है दोस्तों वो बन चुका है दोस्तों। अब दोस्तों आपको फिर से अपने YouTube चैनल के ऑप्शन पे जहाँ पर आप थे क्रोम ब्राउजर पे वहाँ पर आ जाना है। हम वहाँ पर आ चुके हैं। अब दोस्तों यहाँ पर अपलोड का एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। आप अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको अपने चैनल का लोगो जो आपने बनाया है वो फाइल ओपन हो जाएगी और वहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे और डन पे क्लिक कर देंगे। डन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देख लेंगे कि आपका लोगो सही से दिख रहा है कि नहीं। अब यहाँ पर हमारा जो लोगो है काफ़ी अच्छा दिख रहा है, अब हमें डन पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों बारी है चैनल आर्ट की, जो पीछे चैनल का बैनर होता है उसकी। तो दोस्तों यहाँ पर जो है एक ऑप्शन आपको लोगो के नीचे दे रखा है बैनर इमेज का। अब आपको बैनर बनाने के लिए दोस्तों एक और एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है कैनवा। कैनवा एप्लीकेशन का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ ये एप्लीकेशन कैसा दिखता है। तो दोस्तों ये जो एप्लीकेशन है इसका इंटरफेस कुछ ऐसा है, इस पर हम क्लिक करेंगे और इसे ओपन कर लेंगे। दोस्तों इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके डाउनलोड कर लीजिए। अब दोस्तों इसे ओपन करने के बाद ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा आपके सामने। अब यहाँ पर आप नीचे की तरफ स्क्रॉल कर देंगे और यहाँ पर आपको YouTube चैनल आर्ट का ऑप्शन मिल जाता है। तो आपको सिंपली से सी ऑल पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको काफ़ी सारे बैनर यहाँ पर मिल जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल कीजिए और जो भी बैनर आपको पसंद आ रहा है वो बैनर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं सिंपली ये वाला बैनर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो बैनर सेलेक्ट होने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ये जो लिखावट दिख रही है इस पर आप क्लिक कीजिए दो बार अगर क्लिक करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने कीबोर्ड का ऑप्शन आ जाएगा। तो ये जो लिखावट है आप इसे कट कर दीजिए और आप अपने चैनल का नाम यहाँ पर टाइप कर दीजिए। अब दोस्तों ये जो नीचे वाला लिखावट है आप इसे डिलीट कर सकते हैं, डिलीट पे क्लिक कर दीजिए लिखावट पे टच करके, तो ये डिलीट हो जाएगा। अब दोस्तों आप फिर से इसे सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर जो है दोस्तों इसका फ्रंट हमें कुछ सही नहीं लग रहा है, तो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे एडिट के पास में। अब यहाँ पर आप फ्रंट सेलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये जो फ्रंट है ये काफ़ी अच्छा लग रहा है दोस्तों। अब यहाँ पर हम राइट के चिन्ह पर हम क्लिक करेंगे और इसे बीचों बीच सेट कर लेंगे। अब दोस्तों अब यहाँ पर ये जो तीर का आइकॉन आपको दिख रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर सेव एस इमेज पे हम क्लिक कर देंगे। ये जो डिज़ाइन है दोस्तों बैनर का, ये डिज़ाइन हमारा जो तैयार हो रहा है दोस्तों। अब दोस्तों आपको बैक आ जाना है और उसी ऑप्शन पे चले जाना है जिस ऑप्शन पे हम थे क्रोम ब्राउजर के। अब यहाँ पर आपको अपलोड के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है, यहाँ पर बैनर के साइड में जो अपलोड का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर हम ब्राउज पे क्लिक करेंगे और हमारा जो बैनर है हम सेलेक्ट कर लेते हैं। बैनर सेलेक्ट करने के बाद ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा आपके सामने, देख लीजिए बैनर आपका सही बना है या नहीं और सही दिख रहा है या नहीं। सही दिख रहा है हमारा जो बैनर है। अब यहाँ पर हम डन पे क्लिक कर देंगे। तो डन पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपका जो बैनर है यूट्यूब का वो सेट हो चुका है, आप देख सकते हैं।
अब यहाँ पर आपको ब्रांडिंग के पास जो बेसिक इन्फो का एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन लिख देना है, तो आप जो भी चाहें वो डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं अपने चैनल के बारे में। अब दोस्तों यहाँ पर आप अपने सोशल मीडिया का लिंक भी यहाँ पर दे सकते हैं ऐड लिंक पर क्लिक करके। तो दोस्तों उसके बारे में मैं बाद में वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो में जो मैंने आपको जानकारी दी है वो आपके काम आएगी, और आप इस वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।